नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर पूरी दुनिया के लीडर्स की मैं बात करूं तो दोस्तों उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वो ये होती है दोस्तों कि उनमें फॉलोअप करने की एक जबरदस्त कला होती है उनके पास। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग एंटायर वर्किंग की तो उसमें से सबसे मेजर रोल होता है फॉलोअप करने का दोस्तों, क्योंकि हम फॉलोअप करने के बाद ही लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति जिस तरीके से मिट्टी को बर्तन बड़े प्यार से बनाता है, बड़े हल्के हाथों से बनाते हैं, उसी तरीके से दोस्तों फॉलोअप जस्ट उसका दूसरा पार्ट होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को फॉलोअप का मतलब नहीं पता होता है, इसलिए वो फॉलोअप की जगह स्पेम करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। बड़ा सिंपल तरीके से फॉलोअप का आपको करना है, आपको टेक्निकल नहीं बनना है। सामने वाले व्यक्ति को आप सिर्फ उतना ही दिखने चाहिए जितना वो खुद बन सके दोस्तों। तो अगर आप फॉलोअप के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टेक्निक की, वो है फॉलोअप करने की टेक्निक। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉलोअप करना आप सीख गए अच्छे तरीके से तो आप दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शीर्ष पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। अब फॉलोअप करने की जरूरत कब पड़ती है, मान लीजिए आपने लोगों की लिस्ट बनाई, उन लोगों को आपने वेबिनार अटेंड करवाए, उन लोगों को आपने वीडियो सेंड करे, उसके बाद फॉलोअप की शुरुआत होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि जब आप फॉलोअप करें तो सामने वाले व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए आपको इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करना है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप फॉलोअप के अंदर मास्टर बन जाएंगे। बहुत सारे तरीके नहीं, आपको कुछ तरीके ही इस्तेमाल करने जिससे हमारा काम 100% सफल हो जाएगा दोस्तों। किस तरीके से, मान लीजिए आपने 10 लोगों को इनवाइट किया आपने अपने वेबिनार के लिए, उन 10 लोगों को आपने वेबिनार के अंदर इनवाइट किया, उसके बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों कि वेबिनार एंड होने के बाद पहली बात तो हम कॉल ही नहीं करते। बहुत सारे लोग तो कॉल ही नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो कॉल करते हैं वो बात बोल देते हैं जो कभी नहीं बोलनी चाहिए दोस्तों। वो कौन सी बात बोलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि सर आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव ये दो शब्द, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सबसे ऊपर नेगेटिव रहता है। आपने जैसे ही उसको पूछा कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा तो उसका ब्रेन उन नेगेटिव चीजों को ढूंढने लग जाएगा, तो वो नेगेटिव जवाब देगा दोस्तों। ये गलती कभी भी जीवन में नहीं करनी है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को जब भी आप उस मीटिंग का फॉलोअप ले तो किन शब्दों के अंदर आपको बात करनी है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं। मान लीजिए आपके 5 लोग वेबिनार के अंदर बैठे हैं और आपने फॉलोअप करना शुरू किया, तो दोस्तों वहां पे उन लोगों को आप फॉलोअप किस तरीके से करें, उनको फोन करें, उनसे आप ये मत बोलिए कि आज की मीटिंग, आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। आप उनको ये बोलिए कि आज के वेबिनार में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पुट किया तो सामने वाले व्यक्ति की पॉजिटिव जो तरंगे होती हैं वो दौड़ना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव चीज़ें निकालने की कोशिश करेगी, और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि वो वेबिनार के बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही बताएगा। या आप ये बोल सकते हैं कि आज के वेबिनार को आप कितने नंबर देना चाहते हैं। मैं 1 से 5 नंबर आपको बता रहा हूँ, 1 से 5 के बीच में आपका नंबर कौन सा है दोस्तों। 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर उन्होंने बताया, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट जरूर बनेगा। ये जो फॉलोअप होता है दोस्तों, इस प्रोसेसिंग से आप क्लोजिंग तक पहुंच सकते हैं। यही प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप क्लोजिंग तक पहुंच सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने मान लीजिए 2 नंबर दिए, इसका मतलब उसको अच्छा तो लगा लेकिन कुछ डाउट है। या तो आप उनको डाउट खुद पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा डाउट है आज के वेबिनार के अंदर जो आपको समझ नहीं आया। मान लीजिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन दिया कि मुझे ये जो लोगों की टीम बनानी पड़ती है इसमें मेरे को टीम बनाने में समस्या आएगी, इसलिए मेरे को वेबिनार तो बढ़िया लगा लेकिन मेरे काम की बात नहीं है। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्शन का जवाब होगा तो दोस्तों आपका प्रोस्पेक्ट 100%
आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वेबिनार की सुविधा नहीं है, जिनके पास एक लिस्ट है लेकिन अब वो वेबिनार कहाँ से अटेंड करवाए। तो मैं आपको सिंपल सोल्यूशन देता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको एक BOPP ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। वो अगर आपने 5 लोगों को भेजा, मान लीजिए आपने 5 लोगों की लिस्ट बनाई, 5 लोगों को भेजा, उससे पहले भेजने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, स्पैम नहीं करना है। हमें दोस्तों बिजनेस करना है, स्पैमिंग नहीं करनी। किस तरीके से वीडियो भेजने हैं आपको, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखें। यानी कि आपकी पहली कॉल के अंदर सिर्फ इतना कन्फर्म हो कि अगली कॉल फिक्स हो जाए। आपने बोला कि मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, उसको आपको देखना है, उसके बाद आपको रिकॉल करूँगा मैं। यानी कि आपने फॉलोअप करने की गुंजाइश बना ली। अब आप 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे या 5 घंटे जितना भी आपने टाइम दिया है, उसके बाद आप दोबारा रिकॉल करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि आपने वो वीडियो जो मैंने भेजा वो आपने देखा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा, तो गुस्सा मत होइएगा, ये मत बोल देना कि मैंने भेजा आपने देखा क्यों नहीं। आप बिल्कुल कंफर्ट तरीके से बात करिए कि हाँ ऐसा हो सकता है बिजी शेड्यूल की वजह से कि आपने वीडियो नहीं देख पाए आप, लेकिन इस वीडियो को आप पक्का जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद मेरे को कॉल करें या मैं आपको कॉल करूंगा। दोस्तों फॉलोअप एक प्रोसेस है, अगर आपने उस प्रोसेस को जिंदा रखा तो दोस्तों आपकी कॉल फाइनली उस क्लोजिंग तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर आपने बीच में स्पैमिंग कर दिया, यानी कि आपने उसके ब्रेन में कुछ ऐसी चीजें बता दी जो उनको अनकंफर्टेबल लगा, तो दोस्तों आपकी कॉल वहीं रुक जाएगी, क्लोजिंग तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग फॉलोअप के उस प्रोसेस से गुजरते नहीं है। रीजन क्या है कि उन्होंने शुरुआत ही नहीं करी। फॉलोअप आपका पहले दिन से शुरू हो जाता है, जिस दिन आपने पहली बार कॉल करी है। पहले दिन आपने जब कॉल करी तो सिर्फ आपका मकसद सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप रिकॉल कर सके, आप उसको रिकॉल कर सके, इतना कंफर्टेबिलिटी से आपको बात करनी है। दोस्तों जब आपने फॉलोअप के प्रोसेस को जारी रखा, आपने अगर फॉलोअप के प्रोसेस को जारी रखा तो क्लोजिंग तक बहुत जल्द आपका प्रोस्पेक्ट पहुंच जाएगा। दोस्तों इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट तो कर लेता है, ट्रेनिंग भी दे देता है, वेबिनार के अंदर लोग बैठ भी जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। यही वजह होती है दोस्तों कि उसके बाद आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। आपने कहीं ना कहीं गलती जरूर करी होगी, इसलिए आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। दोस्तों अगर आपने कंफर्टेबिलिटी से रखा, मैंने आपको शुरू में बताया उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति की तरह, अगर आपने साइलेंटली फॉलोअप करा तो आपका प्रोस्पेक्ट बहुत जल्द क्लोजिंग पे पहुंच जाएगा। दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत सिंपल था, और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो दोस्तों आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेज जरूर आ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, आपने इतने ध्यान से देखा इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपको दूँ।